नैनों की रानी, मैं जलपरी को समंदर से निकाल कर ले आई हूँ। एक बार एक भूतिया चुड़ैल अपने दो शैतानों के साथ एक तालाब किनारे आती है। वहाँ आकर भूतिया शैतान चुड़ैल से कहते हैं, चुड़ैल यही वह तालाब है जिसमें वह इच्छाधारी जलपरी रहती है। अच्छा तो ऐसा है, खड़े खड़े क्या देखते हो, जल्दी से इस तालाब का सारा पानी सुखा दो। पानी के बिना वह जलपरी जीवित नहीं रह सकती, वह खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। इतना सुनकर वह दोनों शैतान तालाब में अपनी शक्तियां छोड़ते हैं और तालाब का सारा पानी सुखा देते हैं। तालाब का पानी सूखते ही जलपरी बाहर आ जाती है। शैतान जलपरी को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर शैतान लोग चले जाते हैं। वहीं बंटी अपनी बकरियों के साथ उसी तालाब के पास आया होता है। वह चुड़ैल और उसके शैतानों को जलपरी को ले जाते हुए देख लेता है। अरे यह तो समंदर की जलपरी है, ये भूतिया शैतान उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ऐसा कहकर बंटी चुड़ैल और उसके शैतानों का पीछा करता है। भूतिया शैतान जलपरी को लेकर चुड़ैल लोग आ जाते हैं, जहां उन्होंने पहले से ही इच्छाधारी नागिन और नागराज को बंदी बना रखा होता है। वहां आकर चुड़ैल अपनी महारानी से कहती है, चुड़ैलों की रानी, मैं जलपरी को समंदर से निकाल कर ले आई हूँ। जलपरी को देखकर चुड़ैलों की रानी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, शाबाश मेरे गुलामों, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। नागिन, नागराज और जलपरी तीनों ही हमारी कैद में हैं। अब हमें धरती लोक पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं शैतानों का पीछा करते हुए बंटी भी चुड़ैल लोग आ जाता है और यह सब देख रहा होता है। बंटी कहता है, यह चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है, इसने तो जलपरी, नागिन और नागराज तीनों को ही बंदी बना रखा है। वहीं शाम होते ही चुड़ैल और उसके सब शैतान शिकार करने निकल जाते हैं। तब बंटी नागिन, नागराज और जलपरी के पास आता है। बंटी को वहां देखकर नागराज कहता है, बंटी बेटा तुम यहां तक कैसे पहुंचे? नागराज, मैं अपनी बकरियां तालाब किनारे चरा रहा था, तब मैंने देखा दो शैतान और एक चुड़ैल जलपरी को लेकर जा रहे हैं। उन भूतिया शैतानों का पीछा करते ही मैं यहां तक आया हूं। मैंने चुड़ैल की सारी बातें सुन ली हैं। हाँ बंटी बेटा, वह चुड़ैल धरती लोक पर कब्जा करना चाहती है, हम तीनों इसके गुलाम हैं। हम इस चुड़ैल को धरती लोक पर कब्जा करने से नहीं रोक सकते, बंटी केवल तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। बताइए नागराज, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बंटी बेटा, चुड़ैल ने मेरी नागमणी मुझसे छीन ली है, तो मैं किसी तरह उस नागमणी को चुड़ैल चंगुल से निकाल कर साधु बाबा के पास ले जाना है और साधु बाबा को सारी बात बतानी है। मेरे बाद केवल साधु बाबा ही नागमणी की शक्तियों का इस्तेमाल करना जानते हैं। नागराज की बात सुनकर बंटी नागमणी के पास आ जाता है और चुपके से नागमणी वहां से उठा लेता है और उसे लेकर वहां से निकलता है। वहीं नागमणि चोरी हो जाने से चुड़ैलों की रानी बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे नालायको, वह नागमणि यहीं रखी थी, वह यहाँ से कैसे गायब हो गई? जल्दी से उस नागमणि को तलाश करो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। चुड़ैल और उसके शैतान नागमणि को चुड़ैल लोक में तलाश करने लग जाते हैं। तभी इतने में बंटी और साधु बाबा जेसीबी लेकर वहाँ आ जाते हैं। साधु बाबा के हाथ में नागमणि देखकर चुड़ैल कहती है, शैतानों कह देखो, वह नागमणि उस बूढ़े साधु के हाथ में है, जाओ जल्दी से नागमणि उससे छीन लो। भूतिया शैतान नागमणि को छीनने के लिए साधु बाबा की तरफ आते हैं, परंतु तभी साधु बाबा नागमणि की शक्ति से उन दोनों शैतानों को वहीं जलाकर भस्म कर देते हैं। यह देखकर चुड़ैल गुफा के अंदर भाग जाती है। साधु बाबा और बंटी जेसीबी को लेकर गुफा के अंदर आ जाते हैं। साधु बाबा के हाथ में नागमणि देखकर चुड़ैलों की रानी बहुत घबरा जाती है। फिर क्या था, साधु बाबा नागमणि की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और चुड़ैलों की रानी की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। यह देखकर चुड़ैल वहां से भाग जाती है। साधु बाबा और बंटी नागराज, नागिन और जलपरी को आजाद कर देते हैं। फिर सभी मिलकर बंटी और साधु बाबा का धन्यवाद करते हैं। एक बार बंटी और सीमा दोनों भाई बहन स्कूल से वापस अपने घर लौट रहे होते हैं। थोड़ा आगे आकर रास्ते में उन्हें एक सांप जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। वह सांप घायल होता है। सीमा अपने भाई से कहती है, भैया यह तो एक सांप है और इसे चोट भी लगी है, इसके शरीर से खून बह रहा है। भैया अगर इसे हमने यहीं छोड़ दिया तो इसे चील कौवे खा जाएंगे, क्यों ना हम इसे अपने घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहकर बंटी और सीमा उस घायल सांप को अपने घर ले आते हैं। सीमा उस घायल सांप के जख्मों पर पट्टी बांध देती है और बंटी उसके लिए दूध लेकर आता है। वह सांप बंटी का लाया हुआ दूध श्रद्धा पूर्वक पी लेता है।
दूध पीते ही वह सांप अचानक से एक नागिन बन जाता है। वह नागिन कहती है, बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही नेक दिल और दयालु हो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे नया जीवन दान दिया है। एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया, जिस कारण मैं यहाँ धरती लोक पर आ गई। बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी बंटी कहता है, हे नागिन माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से हम दोनों भाई बहन अपना गुजारा ठीक से कर लेते हैं। तभी नागिन देखती है कि बंटी और सीमा अनाथ हैं और वह दोनों बहुत ही गरीब हैं। वह दोनों मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। यह सब देखकर वह नागिन उसी समय बंटी और सीमा के आंगन में एक जादुई मछली का पेड़ बना देती है और कहती है, बच्चों, मैं तुम दोनों की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए आज से यह पेड़ तुम्हारा है। तुम जितना चाहो इस पेड़ से मछलियां तोड़ सकते हो और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सकते हो। इस पेड़ से मछलियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। इतना कहकर वह नागिन वहां से गायब हो जाती है। बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं एक दिन बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ से मछलियां तोड़ रहे होते हैं। तभी पड़ोस का एक लालची व्यक्ति उन्हें देख लेता है। लालची व्यक्ति कहता है, अरे यह क्या, यह तो एक मछली का पेड़ है। कल तक तो इन भूखे भिखारियों के पास कुछ भी नहीं था, परंतु रातों रात इनके आंगन में यह पेड़ कहां से आ गया। लगता है यह कोई जादुई पेड़ है, मुझे इसका पता करना होगा। अगले दिन वह लालची व्यक्ति यह बात अपने एक मित्र को बताता है। भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो वह कोई जादुई पेड़ लगता है। उस पेड़ से मछलियाँ कम ही नहीं होती। चलो भाई, आज हम उस पेड़ को ही उखाड़ लेते हैं और गांव में सबसे अमीर हो जाते हैं। वहीं उन दोनों की बात पास में खड़ी एक भूखी चुड़ैल सुन लेती है। चुड़ैल उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लेती है और कहती है, अरे ओ मूर्ख इंसानों, अभी तुम जिस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बताओ कहाँ है वह जादुई मछली का पेड़। मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। जल्दी बताओ, वरना मैं तुम दोनों को यहीं कच्चा चबा जाऊंगी। डर के मारे दोनों लालची व्यक्ति चुड़ैल को उस मछली वाले पेड़ के बारे में सारी बात बता देते हैं। रात होते ही भूखी चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे एक आंगन में वह मछली वाला पेड़ दिखाई देता है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, वह दोनों व्यक्ति तो सही कह रहे थे, यह तो सचमुच में एक मछली का पेड़ है। इस पर तो ढेर सारी मछलियां हैं। मैं अभी इन मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ से मछलियां तोड़कर खाने लगती है। आज तो मेरा पेट भर गया, क्यों ना मैं इस पेड़ को अपने साथ ले जाऊं, फिर वहां आराम से जी भर कर मछलियां खाऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को उखाड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी इतने में बंटी और सीमा की आंख खुल जाती है। वह देखते हैं कि एक दुष्ट चुड़ैल उनके आंगन से मछली वाले पेड़ को उखाड़ कर ले जा रही है। वह दोनों उसका पीछा करते हैं। दुष्ट चुड़ैल, कहां लेकर जा रही हो, इस पेड़ को छोड़ दो, यह हमारा पेड़ है। अभी इतने में वह नागिन चुड़ैल के सामने आ जाती है। नागिन को देखकर चुड़ैल कहती है, अच्छा तो तू यहाँ है नागिन, मुझे लगा कि तू मर गई, परंतु कोई बात नहीं, वह कमी मैं अभी पूरी कर देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल चादारी नागिन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। फिर क्या था, वह नागिन अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देती है।